तो आपने इधर सौरभ भारद्वाज ने डीटीसी सिविल वॉलंटियर्स की नौकरी बहाली पर एलजी के फैसले को अरविंद केजरीवाल की जीत बताया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की मेहनत रंग लाई, जिसके कारण केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में डीटीसी बस मार्शलों द्वारा पुनः नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्ष सड़कों पर देखा गया, जिसके बाद सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के समर्थन में निर्णय सामने आया। बता दें कि आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी दी और कहा कि अरविंद केजरीवाल की मेहनत रंग लाई, जिसके कारण केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। लोकतंत्र की जीत हुई और अगले 4 महीनों के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को रोजगार मिला है और अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत रंग लाई है और अंततः केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। ये शक्ति है, ये ताकत है लोकतंत्र की। इस लोकतंत्र की ताकत के सामने आज केंद्र सरकार को अंततः झुकना पड़ा और ये मानना पड़ा कि जो ये बस मार्शल हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, इनको सरकार अपने कामों पे डिप्यूट करके तनख्वाह दे सकती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ के लिए नियुक्त होंगे। इस बार प्रदूषण को कंट्रोल करने के साथ ही इन्फोर्समेंट को रोकने, इन सभी एक्टिविटी में इन वॉलंटियर्स को दोबारा से 4 महीने के लिए रखा जाएगा। इन सभी के बीच बस मार्शल को उनके हक के लिए बहाल किया जाएगा। सिविल डिफेंस कर्मियों के घर में एक उम्मीद जागी है। उसी कड़ी में इस बार इस भारी प्रदूषण से निपटने के लिए और इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज को अमली जामा पहलाने के लिए, चाहे ये ओपन में कूड़ा जलाने को रोकना हो, कहीं पे बिल्डिंग मटेरियल पड़ा है उसकी इन्फोर्समेंट हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोकना हो, कई जगह लोग आग जला के आग सेक रहे होते हैं इसको रोकना हो, कूड़े के पहाड़ों के अंदर आग लगाने की शरारत को रोकना हो, इस तरीके की तमाम एक्टिविटीज के लिए इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को, जिनको बस मार्शल की डेप्यूटिंग, बस मार्शल के काम से, डिटेलमेंट से हटा दिया गया था, उनको दोबारा से 4 महीने के लिए रखा जाएगा। फिलहाल आपका आरोप है कि दिल्ली अच्छी चल रही थी, जिसने नौकरी दी वो नौकरी से कभी नहीं निकलता, बल्कि जिन्होंने षड्यंत्र किया उन्होंने निकाला। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से रिया राय की रिपोर्ट।